बाद ये चीज तय होगी, लेकिन आज हम इस खास पेशकश में चर्चा करने वाले हैं कि किसकी किस्मत में आखिर राजस्थान होगा, किसके सितारे कल बुलंद रहते हैं। जी बिल्कुल, किसके सितारे बुलंद रहते हैं, और ये तमाम जो विश्लेषण है, ये जो चर्चा है, ये करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इनसे हम पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। तो हमारे साथ देखिए आचार्य घनश्याम शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ विनोद शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, वो भी ज्योतिष आचार्य हैं, जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुभव जी जोड़ेंगे, ज्योतिष आचार्य हैं, जयपुर स्टूडियो से। इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ हैं। हिमाद्री आप आगे जो हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंकित त्यागी जुड़े हैं, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। गिरीश पारेख हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और आज आप सभी से हम जानेंगे कि कैसी रहेगी राजस्थान की किस्मत, कौन सत्ता पर काबिज होगा, किसके सितारे बुलंद है और किसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। आप तमाम गेस्ट्स का हम स्वागत करते हैं और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंकुर बिल्कुल, सबसे पहले आचार्य घनश्याम शर्मा जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। और देखिए, प्रदेश के लिए कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगले 5 साल जो प्रदेश का भविष्य रहने वाला है, ये कल का दिन तय करेगा। और इसमें सबसे पहले जो सबसे पहला जो ख्याल आता है जिस इंसान का, उसके बारे में हम जिक्र किए करें तो अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। उनका जो भविष्य है, उनकी जो कुंडली है, वो इस वक्त क्या दर्शा रही है, वो क्या कह रही है, और अगला जो 5 साल है वो किस तरीके से उनकी कुंडली में नजर आता है आपको, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, जी न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम किया जाता है। आज हम कल जो एग्जिट पोल आएगा, कल के बारे में बात कर लेते हैं, किसका रहेगा राज। अशोक गहलोत जी की कुंडली जो प्रधान सीट पर है, मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, 3 बार रह चुके हैं जी। 3 मई 1951 इनका जन्म डेट है। 9:30 बजे का टाइम है जोधपुर का। तो इनकी कुंडली देखते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली कुंडली दर्शाती है। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, और 3rd हाउस में पराक्रम के स्थान पर केतु विराजमान है, 4th हाउस में शनि है, भाग्य में राहु विराजमान है। तो देखा जा रहा है कि राहु की महादशा इनको चल रही है इस समय। अब राहु की महादशा सफलता प्राप्त कराती है, निश्चित रूपेण कराती है। राहु में भी अच्छे ग्रह चल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रत्यंतर अंतर में भी राहु चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार बनाने में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि बराबर की टक्कर रहेगी, और इनके ग्रह बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूपेण जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं वहां से विजेता प्राप्त अच्छी होगी, अच्छी सफलता मिलने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं जी। और गहलोत जी की कुंडली बहुत ही अच्छी है। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो कल तय हो जाएगा। इनकी सीटें कम पड़ रही है वैसे तो, बिल्कुल बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बनेगी ये तो कल तय होगा। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुंडली, क्या फिर से सत्ता पर काबिज होंगे। बिल्कुल, और विनोद जी साथ साथ में मैं हिमाद्री ये भी ऐड कर देती हूँ कि कुंडली क्या कुछ कह रही है, और साथ के साथ कल जैसे कि रिजल्ट का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे उपाय जो है वो उनके द्वारा किए जा सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो उनके लिए शुभ जो रंग है वो कैसा क्या कुछ हो सकता है, और साथ के साथ कुछ ऐसे मंत्र भी बताइए जो कि सत्ता की जो चाबी है वो उन कैंडिडेट्स को सौंप सके। विनोद जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, पीसीआर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो है हम रुख कर लेते हैं अनुभव शर्मा जी का, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुंडली क्या कुछ कहती है, और एक दिन पहले अब कम ही समय बचा है, 24 घंटे से कम का समय है, और ऐसे में क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, कौन से ऐसे मंत्र हैं जो जपने चाहिए।
जी राजस्थान के सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा का नमस्कार। देखिए, आपने अशोक गहलोत जी की बात की तो जैसा पंडित जी ने बताया कि अशोक गहलोत जी की जो कुंडली है वैसे तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनकी जो लगन है वो मिथुन लगन है और जो नवमांश है वो मकर नवमांश है, और बहुत सारे सुंदर राजयोग जो इनकी कुंडली में बन रहे हैं, हंस योग बन रहा है, सुनफा योग बन रहा है, पर्वत योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, ऐसे कई वरिष्ठ योग जैसे सुंदर योग है। लेकिन जैसा पंडित जी ने बताया कि कुंडली में राहू की महादशा चल रही है और गुरु का अंतर जो चल रहा है, इस वजह से गहलोत साहब को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, और इन्हीं ग्रहों के बिगड़ने से जो सरकार है उसको रिपीट होने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं शायद ये कह सकता हूं कि शायद इस बार अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में नहीं आएगी, और जैसा राजस्थान का इतिहास रहा है एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, वो इतिहास जो है वो बदलेगा नहीं और बीजेपी की सरकार आएगी। और जहां तक आपने अगर इनके अगर किसी उपाय की अगर बात करी तो उपाय तो ये कर ही रहे होंगे, कई ज्योतिषियों के संपर्क में रहते हैं, बहुत ही मतलब रिलीजियस हैं, काफ़ी मतलब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, राजस्थान के हैं, कई मंदिरों में आते हैं। तो मैं वैसे इनको ये बताना चाहूंगा, अगर राहु की अगर ये रेमेडी इस समय पे करें तो इनको आने वाले समय भी सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बहुत ही सर्वोपरि पॉलिटिशियन है, बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, तो लेकिन बात यहां पर हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी जी। तो उसके हिसाब से इनके जो सितारे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि सरकार बना सकें। तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि इस समय राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मिनिमम 120 से सीटें इनकी आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये अनुभव जी का अनुभव ये बताता हुआ यहाँ पर नजर आया है। ठीक है, मैं अंकित जी आपका रुख कर लेती हूँ। अंकित जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हैं। अंकित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। तो जैसा कि अनुभव जी ने बताया कि बहुत ज्यादा उनके जो सितारे हैं बुलंद होते नजर नहीं आ रही है, जीत दिख रही है लेकिन सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी कुंडली में ऐसे कौन से जो एक तरीके से कहा जाए कि ग्रह है जो कि कमजोर पड़ रहे हैं, और उन्हें अगर मजबूत किया जाए तो क्या सत्ता आ सकती है उनके पास, क्या संभावना यहां पर नजर आ रही है, क्या कुछ ऐसे प्रबल जो उपाय है वो किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा सभी विद्वानों ने बताया, पूर्ण रूप से सहमत हूं। अशोक गहलोत जी की कुंडली में पाप कर्त्री योग है जो बाधक बनेगा इस बार, जो मुझे उम्मीदें नजर आती हैं। उनकी कुंडली में दशम में बैठे गुरु की पिछली राशि में राहु और अगली राशि में पाप ग्रह जैसे सूर्य और मंगल विराजमान हैं, ये उनके लिए बाधक बनेगा, बहुत मुश्किल होगा। निश्चित है कि उनकी अपनी जीत तय है, लेकिन वो अपनी पार्टी को जीत दिला पाए ये बहुत मुश्किल लगता है। नवमांश कुंडली में भी उनकी जो गुरु हैं अष्टम भाव में होकर अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजिशन मुझे नजर नहीं आती है। जहां तक बात आपने की उपायों की, उनका जो मूलांक है वो 7 है, जो राजस्थान में चुनाव हुए वो 25 तारीख को हुए वो भी 7 था, काफी अच्छी स्थिति में कहूंगा कि थी। लेकिन ये जो ग्रहों की चाल है ये उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है, स्पेशली उनकी पार्टी के फेवर में। इस समय कोई उपाय विशेष तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है और ज्यादा उपाय करने का समय नहीं है। ऑलरेडी वो बहुत सारे ज्योतिषियों के संपर्क में होंगे, ये भी सही है जैसा कि अभी अनुभव जी ने बताया, तो बहुत मुश्किल नजर आता है कि वो सरकार बना पाए। बिल्कुल, तो ज्योतिष के जो सितारे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहीं ना कहीं थोड़े से गर्दिश में अंकुर नजर आ रहे हैं, चिंता बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ गिरीश पारिक जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज, क्या कहता है ज्योतिष? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं और आते जाते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन पहली बार जो टफ फाइट आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, वही फाइट आज ग्रहों में भी हम जितने भी ज्योतिष के विद्वान है, जानने वाले हैं, स्टूडेंट है, सब देख रहे हैं। देखिए, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। राजस्थान का चुनाव जिनके फेस पे लड़ा गए हैं वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी कुंडली के अंदर इस वक्त ढैया लगी हुई है। अगर मैं अशोक गहलोत जी की कुंडली देखता हूं तो उनकी राशि पर भी शनि की 7.5 का प्रथम ढैया लगा हुआ है, तो शनि महाराज जो है वो मुख्य निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन महादशा का जो रोल है वो किसी भी कुंडली के अंदर सर्वाधिक होता है। तो महादशा जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चल रही है वो लग्नेश मंगल की चल रही है। हालांकि मंगल में जो शनि अंतरदशा है वो इतनी इतनी बढ़िया नहीं है,
लेकिन महादशा का जो महत्व है, एक और मंगल है, दूसरी ओर राहु की महादशा है जो गहलोत जी के साथ में है। महादशा को देखते हुए और जो गोचर होता है, जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन है, उसको देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि फाइट बहुत टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं गठजोड़ की जो राजनीति है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकती है और गवर्नमेंट बनने के जो चांसेज हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आते मेरे को दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि महादशा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो प्लैनेटरी पोजिशन, करंट प्लैनेटरी पोजिशन जिसे हम ट्रांजिट बोलते हैं, गोचर बोलते हैं, वो भी बीजेपी के फेवर में है। और उस दिन की जो चंद्रमा है वो भी मोदी जी के फेवर में जा रहा है, हालांकि वो गहलोत जी के फेवर में भी है, लेकिन मेरे को लगता है बहुत नेक टू नेक फाइट होने वाली है और अल्टीमेटली गठजोड़ से या निर्दलीय के साथ में बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे अंकुर जो है गठजोड़ की बात सामने आ रही है, गठबंधन की बात सामने आ रही है। विनोद शास्त्री जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद शास्त्री जी, क्या लगता है इस बार राजस्थान में जो है गठजोड़ की, गठबंधन की सरकार बन सकती है? देखिए, मैं वैसे तो सब बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने राय रखी है और रख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इंट्यूशन बेस और ग्रह गणित के आधार पर निर्धारित करने वाला शास्त्र है। हमें ब्रह्मा जी ने कोई एजेंसी तो दे नहीं रखी है कि हम भाग्य बनाएं, भाग्य बिगाड़ें। हमको, हम भी इस शास्त्र के आधार पर, ग्रह योगों के आधार पर फलादेश देते हैं। वैसे तो जो होना है वो जनता ने 25 तारीख को राजस्थान में तय कर दिया है, उसी पर हम विवेचना कर रहे हैं। अभी की जो स्थिति बनी हुई है ग्रह योगों के आधार पर यदि देखते हैं, जैसे हमारे पूर्व विद्वान ने जो बताया था कि शनि की 7.5 गहलोत जी को लगी हुई है, ढैया नरेंद्र मोदी जी को लगी हुई है, इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा दोनों की एक ही राशि है, उनका भी वृश्चिक राशि है और उधर भाजपा भी वृश्चिक। जब भाजपा की जो स्थापना हुई थी 1980 में, तो वहां पर उस समय वृश्चिक राशि ही थी उसकी, तो वहां भी ढैया शनि लगा हुआ है। बस दोनों में शनि में अंतर ये है कि यहाँ जो शनि में ढैया शनि लगा हुआ है ये मूल त्रिकोण का है, अपनी राशि का है, इसलिए ये ढैया शनि जब मूल त्रिकोण का होता है तो वो इतना दुष्प्रभाव नहीं डालता है जी। लेकिन जब 7.5 प्रारंभ होती है और वो 7.5 प्रारंभ होती है, वो ऐसी स्थिति में वो थोड़ी सी एक तनाव में रखने वाली होती है। वैसे गहलोत जी के ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, थे, हैं और रहेंगे भी, क्योंकि इतने अच्छे ग्रह नहीं होते तो इतने बार मुख्यमंत्री थोड़ी बनते राजस्थान के, और आगे भी बिना मुख्यमंत्री भी वो राष्ट्रीय नेता हैं, अपना वर्चस्व तो बनाए रखेंगे। लेकिन भाजपा की स्थिति गहलोत जी के मुकाबले, क्योंकि अभी कांग्रेस और बीजेपी न होके गहलोत जी और बीजेपी हो रही है, ऐसी स्थिति में बीजेपी का पलड़ा भारी है और मुझे तो लगता है बिना गठजोड़ के भाजपा सरकार बना लेगी निर्विवाद रूप से। कहीं भी किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी कि निर्दलियों की ओर मुंह देखना पड़े या अन्य कोई स्थिति बने, ऐसी स्थिति मुझे नजर नहीं आती है जी। ठीक है। तो आप गिरीश जी ऐसा बता रहे हैं कि भाजपा के जो सितारे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुकाबले अशोक गहलोत के। ठीक है। तो ये बात हुई है सबसे पहले जो कैंडिडेट है प्रदेश के, अगर प्रथम अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो अशोक गहलोत के। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अशोक गहलोत के बाद है वसुंधरा राजे। घनश्याम जी आपके पास आ रही हो, वसुंधरा राजे की अगर आप कुंडली देखते हैं इस वक्त, उनके सितारे जो है वो क्या बोल रहे हैं और क्या कुछ दर्शा रहे हैं, क्या उनके कुंडली में इस वक्त राज नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, देखिए वसुंधरा राजे जी की कुंडली भी बहुत पावरफुल है इस समय। 8 मार्च 1953 12 बजे का और मुंबई का जन्म है इनका जी। तो इनकी कुंडली आ रही है, वृषभ लग्न की कुंडली है इनकी। अब वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र 12th हाउस में जुपिटर के साथ विराजमान है, ये अच्छा योग माना गया है।
11th हाउस में मंगल और बुध की युति नीच भंग राजयोग जैसा प्रभाव दिखाता है। 10th कैरियर पर इनके सूर्य इतना प्रभावशाली है, जो मूल त्रिकोण राशि का शनि है उस पर सूर्य विराजमान है प्रेजेंट टाइम में, और राहु की महादशा भी चल रही है इनको। अब राहु की महादशा में शनि चल रहा है, तो शनि भी मूल त्रिकोण राशि का है, यानी जनता को पूर्ण दृष्टि से 4th हाउस को 10th कैरियर देख रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इनका शनि भी उच्च का है, मंगल के साथ विराजमान है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का, जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जैसे आपने बताया विद्वानों ने, वृश्चिक लग्न की कुंडली में नीच का चंद्रमा, इनका सप्तम में नीच का चंद्रमा है, और राहु और शनि के जब प्लानेट आते हैं तो कलयुग का राजा राहु है। इस समय राहु ही विजय प्राप्त कराने में काफी अहम भूमिका निभाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेगी, अब ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो समय बता देगा। बाकी इनके हाथ में इनका पलड़ा भारी लग रहा है इस समय, और बीजेपी को इतनी सीटें मिल जाएगी कि गठजोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, निर्दलियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप में अच्छी सरकार बीजेपी बना रही है, ये निश्चित मानिए, क्योंकि इनकी ग्रह दशा इस समय प्लानेट के अनुसार बढ़िया चल रही है, ऐसा हमें लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, तो अंकुर देखिए कि जो ग्रह दशा है वो बिल्कुल सही चल रही है। पंडित जी, ऐसे में एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे जिस तरह से लगातार जो है मंदिरों में पहुंच रही है, पूजा अर्चना कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका असर होता भी नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये दुर्गा पाठी दुर्गा के उपासक भी है, बहुत टाइम से ये अच्छी दुर्गा सप्तशती की साधक रही है, और मंदिरों में तो अनेक मंदिरों में इनका जीर्णोद्धार भी कराया है, मंदिरों से जुड़ी हुई है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जाते रहते हैं, बगलामुखी के भी जाते रहते हैं, और D9 चार्ट में इनके जो पंचम भाव का स्वामी हैं, जुपिटर वृश्चिक राशि पर है और भाग्य का मंगल बैठा है, इसलिए ये जुपिटर की राशि से अपना त्रिकोणस्थ स्थिति में देखते हुए D9 चार्ट में शनि उच्च का डबल त्रिकोण स्थिति में है, वर्गोत्तमी है, इसलिए इनको विजय प्राप्त होती है और इनको शक्ति प्राप्त होती है, ये सरकार को डावाडोल करते करते भी संभाल लेती है। तो ये अशोक गहलोत जी के भी राहु की महादशा चल रही है, वसुंधरा जी के भी चल रही है, दोनों के कांटे की टक्कर चल रही है। बिल्कुल, दोनों की कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन घनश्याम जी ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे जो है वो बुलंद होते हैं वसुंधरा राजे के नजर आ रहे हैं। लेकिन विनोद जी देखिए, मंदिरों के दर्शन तो है वो अब हम एक दो दिनों में देखने को मिल रहा है, और सिर्फ वसुंधरा राजे ही नहीं, हर एक कैंडिडेट मंदिर जा रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं वो मंदिर जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो किस्मत में जो फैसला होना है वो तो पहले ही 25 को कैद हो चुका है मतपेटियों में, ईवीएम में, तो जो रिजल्ट कल आने वाला है वो ऑलरेडी कैद हो चुका है वहां पर। अब ऐसे में आज या फिर कल मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन करने से, या फिर अभी जो पूजा पाठ है वो करने से इसका क्या कनेक्शन नजर आएगा? क्या जो पहले हो चुका है उसका आशीर्वाद क्या अब मिल सकता है, ऐसा होता नजर आएगा? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी विनोद जी, हाँ देखिए, ये इसमें कोई जापे कृपा राम के होई, तापे कृपा करे सब कोई, ये तो भगवान की कृपा होती है तो क्या का क्या हो जाता है। चुनाव में मतदान तो जनता कर